क्या डिम्पी का दूसरा विवाह करवाएगी अनुपमा? वेल, क्योंकि जिस तरह से अनुपमा अपने हाथों से डिम्पी को सजा धजा रही है और फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनने की बातें कह रही है, वैसे में तो देख के बरखा और पाखी यही अंदाजा लगा रही हैं कि अब डिम्पी बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है और ये बातें घर में आग की तरह फैलते नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब बा के कानों तक ये बात जाएगी तो फिर बा और सभी घर वालों का क्या रिएक्शन होने वाला है और उनके रिएक्शन पे अनुपमा क्या रिप्लाई करने वाली है। तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से बाबूजी का कॉल अनुपमा के पास आता है, जिसके बाद अनुपमा और अनुज दोनों शाह हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहीं मालती देवी को इस बात से बेहद प्रॉब्लम होती है कि आखिर क्यों बार बार अनुपमा शाह हाउस की तरफ जाती हैं और पीछे पीछे अपने साथ अनुज को भी लेके जाती हैं। वहीं मालती देवी इस बात से तो परेशान है ही, इस उनकी परेशानी पे और नींबू और मिर्च छिड़कने बरखा आ जाती है और बरखा भी मालती देवी को इस तरह से कमेंट करती है कि सुनने के बाद मालती देवी के जहन में और आग लग जाती है। लेकिन वही मालती देवी अब अपने ही दिमाग में ये प्लान बनाने लगती है कि किस तरह से अनुपमा को शाह हाउस से जाने के रोकना होगा और फिर ताकि अनुज भी उसके पीछे पीछे वहां ना जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम सभी ने देखा था कि किस तरह से शाह हाउस जाने के बाद से बाबूजी अनुज और अनुपमा से अपनी दिल की बातें कहते हैं। तभी अनुज और अनुपमा खुद से एक वादा करते हैं कि वो बुजुर्ग के लिए एक घर बनवाएंगे, जिसके बाद दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये बात मालती देवी के कानों तक आती है और फिर मालती देवी क्या करने वाली है। वही इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि जो मालती देवी है वो बार बार सभी घर वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके बातों पे जरा सा भी कोई गौर नहीं कर रहा और उन्हें इग्नोर कर रहा है। वहीं रोमिल को धमकी देती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो, जबकि रोमिल उनकी बातों को जरा सा भी घास नहीं डाल रहा और उनके सामने ही अनुज और अनुपमा से अपने ही घर में दोस्तों को बुलाने की परमिशन मांगता है। मालती देवी ये रोमिल का बिहेवियर देख के बेहद परेशान हो जाती है और गुस्सा हो जाती है, लेकिन वहीं रोमिल उनके ही मुंह पे उनका जवाब दे के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने हाथों से डिम्पी को सजाते धजाते नजर आती है और कपड़े पसंद करते नजर आती है। लेकिन तभी पाखी अनुपमा को और डिम्पी को एक साथ देख लेती है और फिर वो जाके बातें बरखा से कहती है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अनुपमा डिम्पी को इतना सजा धजा क्यों रही है। क्या डिम्पी की वो दूसरी शादी कराने की तैयारियां कर रही है या फिर इस सीरियल में कोई आने वाला है ट्विस्ट? वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।